दोस्तों, जिस ट्रेन में हम लोग आराम से आनंदमय यात्रा करते हैं, उस ट्रेन को सुरक्षित और समय पर संचालित करने के लिए एक टीम वर्क करती है। एक ट्रेन के संचालन में यूँ तो बहुत से कर्मचारी शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ ट्रेन से बाहर रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं, जबकि कुछ ट्रेन के यात्रा शुरू करने से पहले तक ही ट्रेन के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो ट्रेन के वास्तविक संचालन के दौरान ट्रेन में मौजूद रहकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी या फिर यूँ कहे तो अपनी ड्यूटी है वो पूरी करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ट्रेन का लोकोमोटिव यानी इंजन होता है उससे लेकर जो गार्ड का डिब्बा होता है पीछे तक, उसमें किस प्रकार के हैं जो स्टाफ हैं वो अवेलेबल रहते हैं, यानी कौन कौन से रेलवे कर्मचारी इस ट्रेन के संचालन के दौरान रहते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेन के जो इंजन होते हैं यानी लोकोमोटिव जो होते हैं उसके अंदर है लोको पायलट और एक सहायक लोको पायलट होता है, जिनका कार्य सभी लोग भलीभांति जानते हैं। जी हाँ, ये दोनों मिलकर ट्रेन के साथ लोकोमोटिव को सुरक्षित संचालन का जिम्मा उठाते हैं, यानी कि ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनकी मुख्य भूमिका होती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाकी ट्रेन में भले कितने कर्मचारी आ जाए, लेकिन अगर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट नहीं है तो ट्रेन बिल्कुल भी रवाना नहीं होगी। उसके बाद यदि ट्रेन में एंड ऑन जनरेशन की व्यवस्था है, ये मोस्टली जो LHB कोच होते हैं उनके अंदर ही होती है, तो सबसे पहले वो आखिरी डिब्बे के तौर पे जनरेटर वैन लगाया गया है, तो उसमें जनरेटर के जो ऑपरेटर होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। आमतौर पे सबसे पीछे जो लगाए गए जनरेटर यान है उसी में जनरेटर है वो कार्यरत होता है, जबकि जो आगे वाला यान होता है वो स्टैंड बाय पर रहता है, यानी एक्स्ट्रा रहता है। जब पीछे वाले जनरेटर में खराबी आता है तो ही उसी को काम में लिया जाता है, और इन दोनों के साथ जो ऑपरेटर रहते हैं उनका मुख्य कार्य इन जनरेटर को चलाना होता है, उनमें फ्यूल देना होता है या फिर किसी भी तरह की जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसको फिक्स करना होता है, यानी कि उनकी संभवतः उनको मरम्मत करना इत्यादि करना होता है। तो जनरेटर जो कार होते हैं या फिर जो जनरेटर वाले डिब्बे होते हैं उनके जस्ट पीछे जो होते हैं जनरल डिब्बे होते हैं, यानी सेकेंड सीटिंग क्लास के जो डिब्बे होते हैं, तो उनमें कोई भी रेलवे का स्टाफ नहीं होता, वो कभी कभार TCA वो आते हैं। फिर भी इनके पीछे जो होते हैं वो होते हैं आरक्षित डिब्बे, यानी जिनमें आप लोग रिजर्वेशन करा के अपना टिकट रिजर्वेशन करा के जाते हो, तो उन आरक्षित डिब्बों में चल टिकट निरीक्षक यानी कि जो TTE होते हैं वो होते हैं, जिनका कार्य आरक्षित डिब्बों में टिकट चेक करना होता है, खाली सीटों को RAC जो वेटिंग वाले होते हैं उनको सीटें आवंटित करना होता है, और जो रिजर्व जो श्रेणी होती है उसके यात्रियों को सफर के दौरान यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उनमें वो सहायता उपलब्ध करवाते हैं। और अगर अपन बात करें जो स्लीपर क्लास या फिर जो AC क्लास के डिब्बे होते हैं तो उनमें जो RPF होते हैं, RPF के कुछ कर्मचारी भी उपस्थित रहते हैं, जो ट्रेन में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि होती है उनको नियंत्रित करते हैं, और भी किसी तरह की एबनॉर्मलिटी जो होती है पैसेंजर के साथ तो उनको भी वो शॉर्ट आउट करते हैं। स्लीपर क्लास के बाद जो वातानुकूलित डिब्बे आते हैं यानी AC वाले डिब्बे आते हैं, तो उनके अंदर AC मैकेनिक भी मौजूद रहते हैं जो डिब्बों में लगे हुए AC के संचालन पर नज़र रखते हैं और छोटी मोटी जो खराबी होती है यात्रा के दौरान उसको ठीक करते हैं। काफ़ी ट्रेनों में जो कोच अटेंडेंट है वो भी उपलब्ध रहते हैं, जो आप लोगों को जो बेडरोल होते हैं वो व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो जो कोरोना महामारी आई थी उसके चलते हैं उनको बंद कर दिया था, यानी कि बेडरोल वगैरह देना बंद कर दिया था, तो जो कोच अटेंडेंट होते थे वो भी नहीं होते थे, तो अब काफ़ी नॉर्मल हो गया, यानी कि कोच अटेंडेंट फिर से रहने लगे हैं। इनके साथ ही खानपान सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी भी रहते हैं, लेकिन ये कार्य निजी जो ठेकेदार होते हैं यानी प्राइवेट ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो यदि ट्रेन में पेंट्री कार है तो इसमें कार्य सभी कर्मचारी वो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी होते हैं, लेकिन ये लोग भी ट्रेन के स्टाफ ही है, और इनमें से कुछ लोग हैं वो किचन का काम संभालते हैं, जबकि बाकी लोग जो होते हैं वो जो सर्व करते हैं, यानी जो भी जो कैटरिंग का सामान है उसको क्या करते हैं सर्व करते हैं। और आजकल ट्रेनों में साफ सफाई का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है, तो इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में है ऑनबोर्ड जो हाउसकीपिंग कर्मचारी होते हैं, जो वो भी निजी ठेकेदारों के द्वारा तैनात किए जाते हैं, यानी कि जो भी आरक्षित डिब्बे होते हैं, जो भी रिजर्व क्लास के जो कोचेज होते हैं उनमें साफ सफाई का जो जिम्मेदारी होती है वो इनके ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग कर्मचारियों की ही होती है, जिनका कार्य डिब्बों में स्वच्छता रखना होता है। इन सब के अलावा जो भी लग्जरी ट्रेनें चल रही है या फिर कुछ प्रीमियम ट्रेनें चल रही है जैसे राजधानी, दुरंतो, शताब्दी एक्सप्रेस, तो इनमें अलग से कुछ मेंटेनेंस कर्मचारी साथ में चलते हैं, जिससे मार्ग में आने वाली जो भी समस्या होती है उसको ठीक किया जा सके, या फिर जिससे ये ट्रेन है वो लेट नहीं हो, इसके लिए जो सवारी डिब्बा या फिर जो लोकोमोटिव के मेंटेनेंस से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी होते हैं वो सब साथ में रहते हैं। ये लोग अक्सर या तो गार्ड या फिर पीछे जो जनरेटर यान होता है उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानी उनके बैठने की व्यवस्था होती है उस कोच में ही रहती है, या फिर जो पेंट्री कार होती है उनमें भी इनके लिए सीट की व्यवस्था होती है। इन सब के अलावा फिर कुछ ट्रेनों में RMS यानी कि रेल मेल सर्विस के लिए एक या फिर आधा डिब्बा है वो रिजर्व किया जाता है, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो पीछे का डिब्बा होता है यानी जो सेकंड क्लास का डिब्बा होता है उसको आधा है रिजर्व कर लिया जाता है, या फिर अलग से ही RMS का एक कोच होता है जिसमें क्या होता है जो भी अपने पार्सल भेजते हैं वो सब जाते हैं, और इसमें इस जो भी इस विभाग से रिलेटेड कर्मचारी होते हैं वो रहते हैं, जो कि चलती गाड़ी में ही डाक टिकट जो होती है उसका शॉर्टिंग का कार्य निपटाते हैं, जिससे डाक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपने टाइम पर पहुँच जाए। इन सब के अतिरिक्त भी एक नाम और दिमाग में खटकता है,
वो है TC यानी टिकट चेकर्स, जो जनरल डिब्बा होता है अगर उसमें बिना टिकट वाला बैठ गया तो उसको बड़ा डर लगता है कि कब TC आ जाए। तो ये लोग कभी कभी ट्रेन में चढ़ते हैं यानी यात्रा करते हुए यात्रियों की टिकट चेक करते हैं, लेकिन ये ट्रेन का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है। मतलब बहुत बार हो सकता है कि किसी ट्रेन में कोई TC आए ही नहीं, क्योंकि ये काम वो प्लेटफॉर्म पर ही कर लेते हैं या फिर जो एग्जिट गेट होते हैं वहाँ पर टिकट चेक कर लेते हैं। और सबसे पीछे के डिब्बे में गार्ड महोदय होते हैं जिनका मुख्य काम होता है ट्रेन एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और ये ट्रेन के चालक के साथ मिलकर ट्रेन के जो टाइम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेन को एक सेफली यानी एक यात्रा प्रदान करते हैं, यानी सुरक्षित संचालन को मॉनिटर करते हैं। और रोड साइड जो स्टेशन होते हैं उस पर वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर पार्सल एवं जो लगेज होता है उसके लदान को उतरवाने और उनके विभिन्न प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी भी गार्ड की होते हैं। यानी कुल मिलाकर जो लोको पायलट और जो गार्ड होते हैं उनकी मोस्टली जिम्मेदारी रहती है कि एक ट्रेन को सुरक्षित और समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आएगी कि कौन कौन से कर्मचारी का क्या क्या काम होता है चलती हुई ट्रेन।